गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज की हिंदी कक्षा में हम क्या करने वाले हैं, आज की हिंदी की कक्षा का टॉपिक है हमारा री की मात्रा। क्या है री की मात्रा? आपने री की मात्रा के बारे में पहले पढ़ा है ना। क्या होती है री की मात्रा? जब किसी भी अक्षर के पैर में इस तरह से सी लगता है, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट सी, स्मॉल सी, तो वो क्या होती है? री की मात्रा। क्या होती है? री की मात्रा। तो हमने री की मात्रा को लगाकर सभी व्यंजनों को बोलना और लिखना सीखा। क्या सीखा था हमने? जैसे कि ये क है, क के पैर में ये री की मात्रा लगाई तो ये क्या बन गया? ट्री बन गया। क्या बन गया? क्री बन गया। आगे ये है म, म के पैर में री की मात्रा लगाई तो ये क्या बन गया? मृ। क्या बन गया? मृ। तो इसी तरह से जब हम बाकी व्यंजनों में री की मात्रा लगाते हैं तो उनमें व्यंजनों के साथ साथ री का स्वर भी आ जाता है। तो री क्या होती है? एक मात्रा होती है। समझ आ गया सबको कि री एक मात्रा होती है, इसका साउंड होता है री, है ना। और मात्रा कैसे लगती है? किसी भी पैर के नीचे स्मॉल अल्फाबेट सी। तो जब व्यंजन और स्वर को मिलाया तो उनमें दोनों का साउंड इकट्ठा आ गया। ओके, तो अब हमने व्यंजनों को पढ़ना इस मात्रा के साथ और लिखना भी सीखा था। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम आपकी बुक में से री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। तो देखिए, ओपन कीजिए अपनी बुक, पेज नंबर 44। ओपन पेज नंबर 44, लेसन नंबर 8। क्या दिया गया है हमें? री की मात्रा। क्या है? री की मात्रा। चलिए देखते हैं री की मात्रा के शब्द किस तरह से लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं। पहला शब्द है, आपको एक पिक्चर दी गई है कि एक लड़का है, वो आइसक्रीम खा रहा है और ऊपर क्या है? सन है। सन यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखो सन में दिखा रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा गर्म गर्म सन है। तो जब सन बहुत ज़्यादा गर्मी में होता है तो वो कौन सा सीज़न होता है? गर्मी, गर्मी होती है ना, समर्स होते हैं। तो सीजन्स को हिंदी में क्या कहते हैं? ऋतु। क्या कहते हैं? ऋतु। तो ये क्या है? गर्मी की ऋतु। आगे देखिए, नेक्स्ट पिक्चर में क्या है? एक गर्ल है और ऊपर से क्या हो रही है? बारिश हो रही है, है ना, रेन हो रही है ना। उसने अम्ब्रेला ले रखा है तो ये कौन सी ऋतु होती है? वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु होती है? वर्षा ऋतु, यानी कि बारिश की ऋतु। ठीक है, तो ऋतु आपको बताया था मैंने कैसे लिखते हैं। री को छोटा ऊ तू, क्या बन गया? ऋतु। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, आगे है, देखिए स्नोमैन है और बच्चों ने विंटर्स वाले क्लॉथ पहन रखे हैं, है ना। तो विंटर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? सर्दी। क्या बोलते हैं? सर्दी। तो कौन सी पिक्चर है ये? सर्दी, सर्दी की ऋतु, यानी कि विंटर सीजन। तो री से पता चला ना ऋतु कैसे बना। ठीक है, तो इस तरह से होती है हमारी री की मात्रा। चलिए अब हम आपकी बुक में से री की मात्रा के कुछ शब्दों को पढ़ना सीखेंगे कि उनमें री की मात्रा लगी है और उसमें कैसे री का साउंड आया और अगला व्यंजन उसमें किस तरह से जुड़ा और ये मिलकर शब्द किस तरह से बने। चलिए देखिए अपनी बुक में। देखिए बच्चों, पहला है हमारा शब्द त, त के पैर में री, क्या बन गया? त्री, ण, तृण। आगे है घ, घ के पैर में री, क्या बना? घ्री, त, घृत। आगे है न, न के पैर में री, क्या बन गया? नृ, प,
नृप। क, क के पैर में री क्री। त, कृत। आगे है व, व के पैर में री, क्या बन जाएगा? व्री। क्ष, मिलकर क्या बन जाएगा? वृक्ष। क्या बनेगा? वृक्ष। वृक्ष क्या होता है? पेड़। आगे है म, म के पैर में री, क्या बनेगा? मृग। ग, मृग। क्या बनेगा? मृग। आगे है ग, ग के पैर में री, क्या बना? ग्री। ह, गृह। गृह, ह, गृह। क, क के पैर में री क्री। त, त को छोटी ई ती, क्या बना? कृति। क्या बना? कृति। आगे है म, म को आ मा। त, त के पैर में री मात्र, क्या बना? मात्र। मा, त, र मात्र। प, प के पैर, प, प, प को छोटी ई पी। त, त के पैर में री, क्या बन जाएगा? पितृ। क्या बन जाएगा? पितृ। पितृ के बाद आगे है म, म के पैर में है री मृी। द, द को छोटा उदू, क्या बन जाएगा मिलाकर? मृी। दू, मृदु। मृी, दू, मृदु। आगे है क, क के पैर में री क्री। श, श को छोटी ई शी, क्या बनेगा मिलाकर? क्री शी, कृषि। नेक्स्ट है स, स के पैर में री श्री। ज, न, सृजन। श्री, ज, न, सृजन। क, क के पैर में री, क के पैर में री। त, क्या बन जाएगा? कृत। क्या बन जाएगा? कृत। आगे है ह, ह के पैर में री ह्री। द, य, क्या बनेगा मिलाकर? ह्री। द, य, हृदय। क्या बनेगा? हृदय। क, क के पैर में री क्री। श, क, क्री। श, क मिलाकर क्या बन जाएगा? कृषक। क्या बन जाएगा? कृषक। कृषक के बाद आगे है क, क के पैर में री क्री। त, ज्ञ, क्या बनेगा मिलाकर? कृतज्ञ। क्या बनेगा? क्री, त, ज्ञ, कृतज्ञ। आगे है प, प के पैर में री आधा। थ, व, व को बड़ी ई वी। प्री, थ, वी, पृथ्वी। क्या बन जाएगा? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। तो बच्चों, ये थे हमारे री की मात्रा के शब्द। आपने री की मात्रा के शब्दों को पढ़ना सीख लिया कि हमने किस तरह से री की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे जोड़ी, और जब मात्रा जोड़ी तो उसमें क्या चेंजेस आए, और उसके साथ हमने दूसरा व्यंजन जोड़कर किस तरह से शब्द बनाया और उसको पढ़ लिया। ठीक है, तो चलिए आज आप इन शब्दों को पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि री की मात्रा लगाकर शब्दों को लिखा किस तरह से जाता है, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जब री की मात्रा से शब्द बन जाते हैं तो उन शब्दों को मिलाकर वाक्य किस तरह से बनते हैं। ओके, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आज आप इन शब्दों को पढ़िए, उसके बाद हम शब्दों को लिखना सीखेंगे। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच।